नमस्कार, मैं गौरी आप सभी का स्वागत करती हूं। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की साख पर कई सवाल उठे हैं। जिस जिले की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, उसी रास्ते में सीएम योगी संसदीय सीटें बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। उम्मीद से ज्यादा उत्तर प्रदेश में भाजपा का नुकसान इस लोकसभा चुनाव में हुआ है। 29 सीटें भाजपा ने चुनाव में गंवा दी, लेकिन अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास मौका है 10 सीटों पर अपनी धाक जमाने का। बस सीटें लोकसभा की नहीं, विधानसभा की होंगी। जी हाँ, यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है, बल्कि दो लड़कों की जोड़ी यानी राहुल और अखिलेश यादव की दोस्ती का भी टेस्ट होगा। देखिए रिपोर्ट और जानिए कैसे यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भाजपा में फिर भर सकते हैं नई जान। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार 3.0 कामकाज में जुट गई है, लेकिन भाजपा के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि जिस यूपी पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उसका गेम खराब हो गया। इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख पर भी असर पड़ा है। भाजपा हार के कारण खोजने में जुट गई है, लेकिन एक बार फिर सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा सीटों वाले यूपी में आने वाले महीनों में उपचुनाव होने हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है, बल्कि दो लड़कों की जोड़ी यानी कि राहुल और अखिलेश यादव की दोस्ती का भी टेस्ट होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी और भाजपा के 9 विधायक अब सांसद बन चुके हैं। इसके बाद उन्होंने विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया। आगजनी मामले में इरफान सोलंकी को 7 साल की कैद की सजा हो चुकी है। इसके बाद उनकी सिशामऊ विधानसभा सीट से सदस्यता जाना तय है। अखिलेश यादव भी कन्नौज सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने भी करहल सीट छोड़ दी है। उन्होंने भाजपा के सुब्रत पाठक को मात दी थी। इतना ही नहीं, सांसद बनने के बाद सपा के अवधेश प्रसाद और लालजी वर्मा भी विधानसभा सीट छोड़ चुके हैं। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार में डबल इंजन सरकार होने के बाद भी भाजपा का प्रदर्शन उम्मीद से बेहद कम रहा है। ये भाजपा की नाक का सवाल बन गया है। वहीं सपा कांग्रेस के हौसले बढ़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी भाजपा के एजेंडे में है, जहां उसे मंदिर निर्माण और शहर के विकास के बावजूद हार नसीब हुई। माना जा रहा है कि सीट पर भाजपा पासी उम्मीदवार को मौका दे सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दो लड़कों की जोड़ी विधानसभा उपचुनाव में बनी रहेगी, क्योंकि इससे पहले 2017 में भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आए थे, लेकिन तब वो कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। लेकिन इस बार बाजी पलट गई है। गैर यादव ओबीसी और दलित वोट भी अब सपा की ओर शिफ्ट हो चुके हैं, जिसके बाद सपा के सुर बदल गए हैं। कांग्रेस अपने कुछ उम्मीदवार इन सीटों पर उतार सकती है। माना यह जा रहा है कि सपा कांग्रेस को 2 सीटें दे सकती है। यानी कि देखा जाए तो जो लोग ये सोच रहे थे कि यूपी में भाजपा के गेम ओवर हो चुका है, उनको एक नई पिक्चर देखने को मिल सकती है। अभी भी भाजपा के पास अपनी साख बचाने का मौका है। लोकसभा चुनाव का मौसम बीत गया है, लेकिन यूपी का माहौल अभी भी गर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में नजर आए। ऐसे में उन्होंने उपचुनाव की तैयारियां अपने लेवल पर कर ली हैं। लोकसभा में मिली जीत के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी एक्शन मोड में दिख रहे हैं, जिसके बाद एक बात तो पक्की है कि जल्द ही यूपी में फिर जबरदस्त सियासी जंग देखने को मिलने वाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।